Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the adaptations for parasitic mode of life in flatworms. So let's move to the classwork. So dear students, adaptations for parasitic mode of life in platyhelminthes or the flatworms. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि जो फ्लैटफॉर्म्स हैं यानी कि प्लैटीहेल्मिन्थीज, देयर बॉडी इज डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड और इनके अंदर ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं वो पैरासाइट्स हैं और पैरासाइट्स क्या होते हैं इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी और आपको एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। पैरासाइट एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो एक लिविंग होस्ट पे डिपेंड करता है अपनी खुराक के लिए और रिहाइश के लिए और बदले में उसको नुकसान पहुँचाता है बीमारी की शक्ल में। मीन्स अ पैरासाइट इज़ एन ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स फॉर फूड एंड शेल्टर इन अ लिविंग होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म्स दैम इन द फॉर्म ऑफ डिजीज़। तो कुछ इसी तरह से जो फ्लैटवर्म्स हैं, ज़्यादातर स्पीशीज़ जो हैं इनकी हमने पहले बात की थी, दे आर पैरासाइट्स। मोस्ट ऑफ द platyhelminthes or flatworms are parasites और इनमें भी अब पैरासाइट्स दो तरह के होते हैं, एक एक्टोपैरासाइट और एक एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट अपनी होस्ट की बॉडी के बाहर अटैच होता है, वहीं से अपनी खुराक हासिल करता है और वक्ती तौर पर अटैच होता है, उसके बाद चला जाता है। जबकि एंडोपैरासाइट आमतौर पर जो बॉडी के एक तो अंदर रहेगा होस्ट की, लेकिन ये ज़्यादा अरसे तक स्टे करता है इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट और समटाइम्स तो ये परमानेंटली डिपेंड करता है अपने होस्ट के ऊपर। सो अगर हम कैटेगराइज करें प्लैटीहेल्मिन्थस को, सो मोस्ट ऑफ देम पैरासाइट तो हैं, ज़्यादातर पैरासाइट्स हैं और उन पैरासाइट्स में भी मोस्ट ऑफ देम आर एंडोपैरासाइट्स। Most of them are endoparasites. Means they live inside the body of the host organism. अब चूंकि इनमें पैरासिटिज्म बहुत ज़्यादा है तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने इनको कुछ ऐसे फीचर्स ज़रूर दिए हैं जो कि इनको पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ में अडेप्ट करने के लिए ज़रूरी होंगे। तो उन्हीं अडेप्टेशंस की ही हम अभी बात करेंगे, the adaptations for parasitic mode of life in the flatworms or the platyhelminthes. Clear? So here are the adaptations . So number one is the cuticle. They have developed cuticle और cuticle आपको पता है ये बेसिकली वैक्सी लेयर होती है, ठीक है, और थोड़े से रेजिस्टेंट होती है, ठीक है, which provides resistance and प्रोटेक्शन। रेजिस्टेंस के एतबार से यानी कि जो बॉडी फ्लूइड्स हैं ख़ास तौर पर जो वाटर हैं उसको वेस्ट होने से, बाहर निकलने से, रिमूव होने से बचाएगा और प्रोटेक्ट करेगा इसको डिहाइड्रेट होने से, ठीक है। और बाकी जो कि फ्री लिविंग हैं उनके अंदर क्यूटिकल नहीं है बल्कि उनके अंदर क्या है, दे हैव गॉट एपिडर्मिस, क्लियर। सो दे हैव डेवलप्ड क्यूटिकल व्हिच प्रोवाइड्स एंड रेजिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन इंस्टेड ऑफ एपिडर्मिस की बजाय। सो दैट इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन फॉर देम। नाउ द सेकेंड एडेप्टेशन which is more important, that is they have got adhesive organs, okay, adhesion का मतलब होता है चिपकना और एडहेसिव ऑर्गन्स का मतलब है ऐसे आज़ा, ऐसे ऑर्गन्स जो इनको चिपकने के लिए हेल्प करें। और किसके साथ चिपकने के लिए, किसके साथ एडहेयर करने के लिए, टू द होस्ट, क्लियर। सो दे हैव गॉट एडहेसिव ऑर्गन्स लाइक दे हैव गॉट काइटिनस हुक्स, या तो उनके पास हुक्स मौजूद हैं, और सक्कर्स, या फिर इनके पास सक्कर्स मौजूद है जिसके बिहाव के ऊपर ये सक्शन प्रेशर क्रिएट करके और अपने होस्ट की सरफेस के साथ अटैच हो जाते हैं, या फिर काइटनस एक हार्ड स्ट्रक्चर होगा ऐसे कि एक हुक्स की शक्ल में जो कि वहाँ पर ऐसे होस्ट मेम्ब्रेन के साथ जाकर अटैच होगा और जहाँ से ये अपनी जो है खुराक हासिल करेंगे, क्लियर। ये कुछ इस तरह से होंगे लाइक दिस। सो दीज आर द हुक्स, ये इस तरह से हुक्स मौजूद हैं इनके अंदर। और इसी तरह से दूसरे जो पैरासिटिक और इसमें ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स मौजूद हैं उनके पास सक्कर्स, उनके माउथ वाले साइड पर सक्कर्स मौजूद होंगे। तो ये दूसरी एडप्टेशन इनके लिए, दिस आर हुक्स, दिस इज द एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के साथ अटैच्ड है हुक्स। और नंबर थ्री, इनका जो नर्वस सिस्टम है, द नर्वस सिस्टम, द नर्वस सिस्टम इज डीजेनरेटेड। वैसे तो प्लेटीहेल्मिन्थीज पर मैंने बात की थी, इनके पास सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, लेकिन जो पैरासिटिक फ्लैटफॉर्म्स होंगे उनका जो नर्वस सिस्टम हो डीजेनरेटेड होगा, वो कोई खास यानी कि इम्प्रूव्ड नहीं होगा, क्लियर। चूँकि ये डिपेंडेंट होते हैं, इनकी डिपेंडेंसी की वजह से, ये आलकस की वजह से, क्योंकि इन्होंने खुद से तो कोई काम करना नहीं है, बस बनी बनाई खुराक जो है उसको जो है वो सक करना है, इंजेस्ट करना है। तो सो दैट इज़ वाई इनका नर्वस सिस्टम कोई वेल डेवलप नहीं है। इसी तरह से इनका जो मस्कुलर सिस्टम है, द मस्कुलर सिस्टम, इनके मसल्स भी वेल डेवलप नहीं है, डीजेनरेटेड हैं, इज डीजेनरेटेड ऑल्सो। क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जो पैरासाइट्स हैं इनके अंदर, जो पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स हैं इनके अंदर जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, क्योंकि इन्होंने होस्ट के साथ ही अटैच होना है, वहीं से सारी ज़िंदगी गुजारनी है, वहीं पर अटैच होकर रहना है। तो आम तौर पर इन्होंने मूव नहीं करना होता, तो मूवमेंट के लिए मसल्स चाहिए होते हैं, तो इस वजह से मसल्स तो हैं लेकिन वो डीजेनरेटेड है, ठीक है। वो इनको मूवमेंट एज सच प्रोवाइड नहीं, यानी कि ये खुद से मूव कर कर एज इट इज़ आगे लोकोमोट करके आम तौर पर नहीं चाहते। सो बिकॉज ऑफ द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्होंने ये पैरासाइट्स हैं, ये अडेप्टेड हैं, इनको ज़्यादा मूव करना नहीं पड़ता, एक ही जगह पर स्टे करना पड़ता है। इस वजह से मस्कुलर सिस्टम जो है इनका वो डिजनरेट हो जाता है। आमतौर पर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने हमारा निज़ाम कुछ इस तरह से बनाया कि इन एनिमल्स स्पेशली कि जो बॉडी का पार्ट इस्तेमाल नहीं होता एक लंबे अरसे तक के लिए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है, वो डिजनरेट होना शुरू हो जाता है। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपसे शेयर करूँगा। लाइक आपने पोलियो देखा होगा। पोलियो का जो पेशेंट्स होते हैं बच्चे, जिस साइड का पोलियो हो, लेट्स सपोज कि अगर राइट साइड का पोलियो है, लेफ्ट साइड उसकी ठीक है, तो राइट साइड चूँकि उसको यहाँ पर नर्वस स्टिमुलेशन नहीं आ रही, चूँकि इनके पास भी इसी तरह से वहाँ पर नर्वस सिस्टम इनका डिजनरेटेड है, तो इनके मसल्स के पास वो नर्वस स्टिमुलेशन नहीं आ रही। तो इसी तरह से जब पोलियो के पेशेंट के पास भी लेग में जब नर्वस स्टिमुलेशन नहीं आ रही और एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो क्या होता है वो आस्ता आस्ता मसल्स क्या करते हैं, उनकी एट्रोफी होना शुरू हो जाती है, वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। आप कभी देखिएगा, उनको कंपेयर कर सकते हैं कि उनकी जो जिस लेग के ऊपर वो मूव करते हैं वो सेहतमंद होती है, और जिस लेग जो पैरालाइज्ड लेग होती है वो डिजनरेटेड होती है बिकॉज के वो काम नहीं कर रही। इसी तरह से ये भी एनिमल्स हैं, चूँकि यहाँ पर नर्वस सिस्टम इनका डिजनरेटेड है, तो मस्कुलर सिस्टम भी आहिस्ता आहिस्ता इनका डिजनरेट हो जाएगा बिकॉज कि इन्होंने मूव नहीं करना। दे आर डिपेंडेंट अपॉन द होस्ट। नंबर 5, the digestive system. इनका digestive system वो बहुत अच्छा नहीं है। क्यों? It is simplified, बहुत सादा सा, basic parts, ठीक है, ingestion और excretion के लिए, ठीक है। उसकी reason because of increased dependence for food on host, क्योंकि होस्ट की आमतौर पर ये इंटेस्टाइन्स के अंदर या ब्लड के ऐसे हिस्सों में जहाँ पर ब्लड आ रहा है डायरेक्ट, तो ब्लड के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर उनको डाइजेस्टेड फूड मिलता है, इनको हज़म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारा एक प्रॉपर सिस्टम है, तो ओरल कैविटी से डाइजेशन स्टार्ट होती है, फिर वो स्टमक में आकर कुछ हिस्सा इसका डाइजेस्ट होता है, कुछ फिर ड्यूोडेनम और जेजुनम के अंदर आकर डाइजेस्ट होता है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब होता है। तो एक प्रॉपर एक वे है, सिस्टम है, ठीक है। इनके अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि इनको बनी बनाई खुराक मिलनी है, तो इनको हज़म करने की एज़ इट इज़ वो ज़रूरत नहीं है, जिस तरह के एक नॉर्मल जो फ्री लिविंग होता है उसको ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो इनका इसी वजह से जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इंतहाई सिंप्लीफाइड होगा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसमें क्या इनमें चेंजेस हैं, क्या अडैप्टेशंस हैं? Ova are produced in large quantity. They are produced in large quantity, बड़ी क्वांटिटी में secrete होते हैं, ताकि species की जो सी इनकी stabilization है वो बनी रहे, ठीक है, for the continuity of their species. ये एक बड़ी मतलब कि अजीब बात है, अजीब इन द सेंस के नॉर्मली ऐसा नहीं होता। एनिमल्स में ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल्स के जो स्पर्म सेल्स होती हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है। आप पहले पढ़ भी चुके हैं, आगे चल के पढ़ेंगे भी, चैप्टर नंबर 18 सेकेंड ईयर के अंदर रिप्रोडक्शन कि मेल्स में जो स्पर्म सेल्स रिलीज होते हैं थ्रू सेमन, आपने मैट्रिक में भी पढ़ा था सेमन के हवाले से, जो स्पर्म सेल्स होती हैं दे आर रिलीज्ड इन मिलियंस, ठीक है, लाखों की तादाद में रिलीज होते हैं, जबकि फीमेल्स के अंदर एग सेल एक बनता है नॉर्मली, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा उलट सिस्टम है, यहाँ पर चूंकि पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ है, इन्होंने ज़्यादा मूव नहीं करना, एक दूसरे के पास नहीं जाना, इसलिए जो फीमेल्स होती हैं वो ओवा लार्ज क्वान्टिटी प्रोड्यूस करती हैं ताकि उनमें से कोई एक जो है वो फर्टिलाइज हो सके और ज़्यादा चांसेस हों, जितने ज़्यादा ओवर रिलीज होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे फर्टिलाइजेशन के और उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं इनकी स्पीशी की कॉन्टीन्यूटी के लिए। इसलिए, और ये ख़ास बात सिर्फ किस वजह से, क्योंकि ये अडेप्टेड हैं फॉर पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ। ये पैरासाइट्स हैं, खुद से कुछ नहीं करना इन्होंने, ठीक है। इन जितना सहल पसंद ये होते हैं और कोई नहीं होता। Now if we talk about their life cycles, अब हम बात करेंगे इनका लाइफ साइकिल की। इनका लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है डियर स्टूडेंट्स। द लाइफ साइकिल इज कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इज कॉम्प्लिकेटेड। उसकी रीज़न क्योंकि ये एक होस्ट पे आम तौर पर डिपेंडेंट नहीं है। आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, जैसे टाइनिया सोलियम, टेपवर्म या फिर लिवर फ्लूक, ठीक है, द फैसियोला हिपैटिका, इन दोनों के अंतर ये एग्जांपल्स हमने शेयर की थी, इनमें कम से कम 2 होस्ट चाहिए इनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। एक होस्ट के अंदर इनकी लाइफ साइकिल का एक हिस्सा मुकम्मल होता है और दूसरा हिस्सा मुकम्मल करने के लिए इनको दूसरे होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज इनका लाइफ साइकिल रुक जाएगा, ये आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। सो इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्टली नीड 2 होस्ट्स, 2 होस्ट चाहिए to complete their life cycles, ठीक है। जैसे कि मैंने टाइनिया सोलियम और लिवर फ्लूक की बात की, टाइनिया सोलियम में हमने बात की थी कि उसके 3 होस्ट हैं, उनमें से 2 कम से कम होने चाहिए। 3 कौन कौन से थे, उसमें पेग है, कैटल्स हैं और ह्यूमन, क्लियर, पेग, कैटल और ह्यूमन, और उनमें से ह्यूमन जो है उसमें इंटरमीडिएट होता है। बाकी जो उसमें जो 2 होते हैं, एक हिस्सा उसमें और एक हिस्सा या पिग में या किसी कैटल में। इसी तरह से लिवर फ्लूक की हमने बात की थी, लिवर फ्लूक में भी एक हिस्सा जो होगा उसका शीप में और एक हिस्सा उसका या स्नेल के अंदर या फिर इंसानों के अंदर, ठीक है। तो कम से कम 2 होस्ट चाहिए, इस वजह से इनका जो लाइफ साइकिल है वो भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। नीचे 2 एक टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं हमारे इसी पेज के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और रिगार्डिंग द शॉर्ट क्वेश्चंस खास तौर पर। द फर्स्ट टर्म इज इन्फेस्टेशन, 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 इट इज द एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ आ पैरासाइट। मार्क कर लें इसको, समझ लें इसको अच्छे तरीके से, ऑफ आ पैरासाइट। इसको मैं इसलिए रेड से पिंक से मार्क कर रहा हूं, ये अलग चीज है, ठीक है। इनसाइट द बॉडी ऑफ एन एनिमल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आर्थ्रोपोड्स, फॉर एग्जाम्पल आर्थ्रोपोड्स लाइक टिक्स, लाइक माइट्स, आगे चल के पढ़ेंगे ये फाइलम, टिक्स, माइट्स एंड फ्लीज एंड लाइक द लाइसिस, ठीक है। एंड जैसे कि ये हमने बात की इनकी ये जो उनसे प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैं, लाइक द टेपवर्म्स, ठीक है। तो ये पैरासाइट्स हैं। अगर कोई इनमें से पैरासाइट आर्थ्रोपोड्स या प्लेटीहेल्मिन्थ्स या फिर नेमाटोड्स, नेमाटोड्स पे आगे चल कर पढ़ेंगे, जो मैक्रोस्कोपिक हैं, ये कौन से हैं, हैं तो पैरासाइट लेकिन मैक्रोस्कोपिक होते हैं, ये अगर बॉडी के अंदर आएँ और प्रोलिफ्रेट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड हों, तो इस कंडीशन को कहते हैं इन्फेस्टेशन। इसके बरक्स एक और टर्मिनोलॉजी होती है, उसको कहते हैं इन्फेक्शन। तो उसमें भी फ़र्क बताया देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं इसके बिल्कुल पैरेलल बताऊँगा इन्फेक्शन। कहते हैं ना इन्फेक्शन हो गया, एक कॉमन टर्म है, इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन टर्म है। So it is the entry and multiplication of viruses, bacteria and the fungi, microscopic fungi inside the animal body is called infection। उसे कहेंगे इन्फेक्शन। क्लियर। जो माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट्स हैं जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया वगैरह, और इन ये करवाएंगे इन्फेक्शन। और जो एनिमल पैरासाइट्स हैं, एनिमल पैरासाइट्स, उनकी इन मल्टीप्लिकेशन बॉडी के अंदर कहलाएगी इन्फेस्टेशन। क्लियर। अब जैसे कि टैनिया सोलियम की एग्जांपल ले लें, ठीक है। इन टैनिया यानी कि टेपवर्म, इन टेपवर्म दैट इज टैनिया सोलियम, इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इनकी जो फीमेल्स होती हैं, द जाइगोट इज डेवलप्ड इनसाइड यूटेरस ऑफ फीमेल, यानी कि फीमेल के यूटरस में बनेगा, ठीक है। और इसके जो लास्ट सेगमेंट्स होते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि टेपवर्म का जो लास्ट सेगमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोग्लोटिड, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्लोटिड। सो दिस इज अ टेपवर्म। इसको टेपवर्म इसी तरह जैसे आपने वो देखिए स्कॉच टेप या कोई दूसरी टेप, तो बिल्कुल उसी तरह से, क्योंकि फ्लैट होती है वो भी, तो ये भी फ्लैट होते हैं। और ये वाहिद ऐसा ये फ्लैटवर्म है जो कि सेगमेंटेड है, इसकी सेगमेंट्स हैं, बाकी सारे अनसेगमेंटेड होते हैं, मैंने बताया था, सिर्फ यही एक्सेप्शन है। तो इसके उनसे ये सेगमेंट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज प्रोग्लॉटिड्स। और इसके जो टर्मिनल प्रोग्लॉटिड्स हैं, ये टर्मिनल सेगमेंट्स होते हैं, वो आमतौर पर मैच्योर होते हैं, ठीक है। इन द लास्ट सेगमेंट्स और प्रोग्लॉटिड्स the development of embryo is completed। उसमें मुकम्मल हो चुका होता है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, ठीक है। इट्स एम्ब्रियो इज, इसका जो एम्ब्रियो होता है, इज राउंड एंड हैज 6 chitinous hooks, 6 hooks होते हैं, जैसा कि ये मैंने दिखाया था, ये उसी का था प्रोग्लोटेड एम्ब्रियो। ये मुकम्मल तौर पर डेवलप हो चुका है और इसके नीचे 6 chitinous hooks लगे हुए हैं, ठीक है। ये प्रोग्लोटेड लास्ट टर्मिनल प्रोग्लोटेड जो टूट चुका है, ठीक है, hooks इसके पास मौजूद हैं। एंड नीड अनदर होस्ट फॉर फर्दर डेवलपमेंट, मज़ीद डेवलपमेंट के लिए इसको दूसरा होस्ट चाहिए। क्लियर। अब ये क्या होगा, इट इज़ रिलीज्ड, वो वहाँ से ब्रेक ऑफ होगा, ये टर्मिनल सेगमेंट इसका, ठीक है, यहाँ से ब्रेक ऑफ हुआ, ठीक है। और लेट्स सपोज कि ये इसका हेड है ठीक है, और ये इसकी टर्मिनल सेगमेंट, इट इज रिलीज्ड and passed in the feces, जिसको हम undigested matter भी कहते हैं, यानी हमारी खुराक का वो हिस्सा जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको रिमूव करना, उसको रिमूव जो किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसिस, ठीक है। तो फीसिस के अंदर वो रिलीज हो जाएंगे और वहाँ से फिर अपने नेक्स्ट होस्ट में जाने के लिए रेडी हैं, क्लियर। और वहाँ पर जब भी जाएंगे एंड दे रीच द कैटल एंड अटैच टू द वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल कौन सा होता है डियर स्टूडेंट्स? तीन तरह के मसल्स पढ़े आपने, स्मूथ, कार्डिक एंड स्केलेटल। तो सिर्फ एक वॉलंटरी है, बाकी दोनों इनवॉलंटरी हैं। तो स्केलेटल मसल्स, दे आर वॉलंटरी मसल्स, ठीक है। द स्केलेटल मसल्स एंड दैट्स व्हाई द अंडरकुक्ड meat can cause infestation। तो उससे क्या होगा? इन्फेस्टेशन। इसलिए कहते हैं हमारा दीन यही सिखाता है कि गोश्त को या खाने को सही तरह से पका के खाना चाहिए। तो जो अंडर कुक्ड मीट होगा उसमें क्या होगा कि ये इनके जिनसे एम्ब्रियो हैं वो ख़त्म नहीं होंगे और फिर क्या होगा कि वो अपने अंदर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे, हमारे इंटेस्टाइन के साथ जाकर उनके हुक्स के ज़रिए ये एम्ब्रियो अटैच हो जाएंगे, क्योंकि हमने वो गोश्त खाया था उस शीप का या उस कैटल का जिसके वॉलंटरी मसल्स के साथ ये अटैच थे। अब आगे चलकर ये मसला पैदा का, हम कहते हैं बच्चे के पेट में कीड़े हैं, वो यही कीड़े, इसी तरह से वो कीड़े डेवलप होते हैं, ठीक है। और दूसरी जो टर्म है इसके लिए, जो दूसरी टर्म हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ डिसइन्फेस्टेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, डिसइन्फेस्टेशन, इन्फेस्टेशन क्या है? द मल्टीप्लिकेशन और द प्रोलिफरेशन ऑफ द एनिमल पैरासाइट्स विद इन द बॉडी। और अगर एक दफ़ा ये बॉडी में आ गए, पहली बात है तो इसके प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए मीट, अगर नहीं हो सका, ये एंटर हो चुका है, इन्फेस्टेशन हो चुकी है, अब क्या करना है? इसको रिमूव करना है। सो इट इज़ द रिमूवल, the removal of parasite by drugs or enema, जिसको क्लस्टर भी बोलते हैं, क्लस्टर, ठीक है, is called disinfestation, is called disinfestation। तो उसको मुकम्मल रिमूवल ज़रूरी है। जो पैरासाइट आ चुका है जो आपकी बॉडी में, तो पहले तो ड्रग्स की मदद से, दवाइयों की मदद से जो फिजिशियन है वो कोशिश करेगा कि इसको रिमूव किया जाए, लेकिन दवाई खाते हैं, कुछ दिन आराम रहता है, फिर उसके बाद दोबारा से इन्फेस्टेशन हो जाती है, ठीक है। और पेट में दर्द और उसी तरह से भूख का ना लगना, ये जो सिम्टम्स होते हैं इसके, तो फिर दोबारा से जब आप फिजिशियन के पास जाते हैं तो फिर वो ही माइट प्रिस्क्राइब, वो आपको कहेगा कि एनीमा करवाया जाए। एनीमा एक इंजेक्शन होता है जो रेक्टम के ज़रिए दिया जाता है। इट नॉर्मली कंटेन्स द फ्लूइड, इंजेक्शन ऑफ द फ्लूइड जो रेक्टम के ज़रिए दिया जाता है, और उससे जो है वो पैरासाइट्स मुकम्मल तौर पर रिमूव हो जाता है। तो बिकॉज द कंप्लीट रिमूवल ऑफ पैरासाइट दैट इज फॉर एग्जांपल टेपवर्म is necessary because if only head remains, अगर इसका सर जुड़ा रहा है इनसाइड इंटेस्टाइन हुक्स के जरिए तो इट कैन रीजनरेट। इसके अंदर एबिलिटी रखी है अल्लाह ने कि ये रीजनरेट कर सकता है। टू कंप्लीट टेपवर्म। तो फिर इसके रिमूवल के लिए फिर द एनिमा इज नेसेसरी। फॉर दिस पर्पस एनिमा इज रिक्वायर्ड। तो इंजेक्शन है ये बेसिकली, और प्रेशर के साथ दिया जाता है रेक्टम के ज़रिए, ताकि इंटेस्टाइन्स के साथ, चूँकि प्रेशर से दिया जाता है, ये फ्लूइड होता है और वो प्रेशर के ज़रिए जो हेड्स होते हैं वो भी डिटैच हो जाते हैं एंड दे आर रिमूव आउटसाइड द बॉडी। सो दिस इज़ कॉल्ड एज डिसइन्फेस्टेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द फाइलम नेमाटोडा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।